हाय गाइस, मैं हितेश 24/7 क्लब में आपका फिर से स्वागत है। गाइस आज है 11वां दिन, 10 दिन पूरे हो चुके हैं। आपने डाइट बहुत अच्छी तरह फॉलो किया है, बहुत ही अच्छा, और मुझे बहुत सारे रिप्लाई आ रहे हैं और लोगों को वो अभी जो मेरा जो डाइट है वो बहुत ही राज आ रहा है और उनकी जो हेल्थ है उसमें बहुत सारा बदलाव देखने को मिल रहा है और उनकी फैट जो है धीरे धीरे कम हो रही है। गाइस आप भी अगर इस डाइट को फॉलो करते हैं तो आपको भी रिजल्ट मिलेगा। 1 मंथ में आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट यहां पे देखने को मिलने वाला है। गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मेरे यूट्यूब चैनल 24/7 क्लब को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि गाइस हेल्थ से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, साथ में टोटल बर्न प्रोग्राम है वो पूरा देख पाए और मेरा जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है वो भी आप देख पाए। गाइस वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में सुबह से उठ के हमें करना है 10 दिन जैसे किया है, 11वें दिन भी वैसा ही करना है। उठते ही आपको लेना है अ फ्रेश एनर्जी ड्रिंक जो कि गुनगुने पानी में होना चाहिए और उसके बाद आपको करना है अच्छा वर्कआउट। अच्छा वर्कआउट यानी कि आप आज करने वाले हैं कार्डियो। कार्डियो एक्सरसाइज आप करेंगे, 30 मिनट का हमने शुरू कर दिया है, 30 मिनट तक हमें कंटिन्यू करना है कार्डियो। कार्डियो करेंगे, पसीना, अभी गर्मी शुरू हो चुकी है, पसीना अच्छा बहना चाहिए। पसीना बहेगा तो गाइस फैट जल्दी से जल्दी हमारा बर्न होने वाला है। पसीना बहाए, 30 मिनट तक अच्छे से अच्छा कार्डियो करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कार्डियो की लिंक में दे दूंगा गाइस। उसके बाद आता है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। गाइस मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में हम लेंगे फॉर्मूला 1 शेक विद प्रोटीन और हम लेंगे प्रोटीन पाउडर और इसके अंदर डालेंगे दूध या फिर पानी। दोनों में से कोई भी एक चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दूध से लीजिए, पानी अच्छा लग रहा है तो पानी लीजिए। 300 ml में आपको इसको डालना है। 3 स्पून डालेंगे फॉर्मूला 1 शेक और 1 स्पून डालेंगे प्रोटीन का पाउडर। ये तीनों चीजों को आप अच्छी तरह ग्राइंड करके सुबह का ब्रेकफास्ट एक हेल्दी ब्रेकफास्ट बना लीजिए। गाइस उसके बाद आता है मॉर्निंग स्नैक्स में। मॉर्निंग स्नैक्स में आप लेने वाले हैं एक एप्पल। एप्पल आपको सुबह में एक लेना है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में। उसके बाद आती है दोस्तों बारी हमारे लंच की। लंच में आज हम लेने वाले हैं पनीर कैप्सिकम की सब्जी। पनीर कैप्सिकम की सब्जी किस प्रकार बनाई जाती है अगर आपको नहीं आती, गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप पनीर कैप्सिकम किस प्रकार बनाया जाता है, एक हेल्दी पनीर कैप्सिकम किस प्रकार बनाया जाता है उसकी रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। करीबन आपको यहाँ पे 300 कैलोरी यहाँ पे प्राप्त होगी पनीर कैप्सिकम की। उसके बाद उसके साथ आपको लेना है 2 चपाती और कर्ड। ये कर्ड या बटर मिल्क का हम ऑप्शन रखते हैं, दोनों में से एक चीज हम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो पसंद है, जैसे कर्ड पसंद है तो कर्ड भी ले सकते हैं या फिर बटर मिल्क भी ले सकते हैं गाइस। उसके बाद आता है इवनिंग स्नैक्स। इवनिंग स्नैक्स में आज हम लेने वाले हैं नॉर्मली 3 चीजें, आपको पता है रेगुलर जो हमारा प्रैक्टिस है वही करना है। कोई भी एक चीज को पसंद कीजिए, अब फ्रेश एनर्जी ड्रिंक लेते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कॉफी या टी, तीनों में से कोई एक चीज को कर सकते हैं और आपकी जो हेल्थ है उसे अच्छा कर सकते हैं। अब आते हैं डिनर की, और डिनर में आज हम जो बहुत अच्छा कार्य करने वाले हैं। डिनर में आज हम लेंगे सोया चंक्स। सोया चंक्स जो है उसकी हम लेंगे टिक्का। सोया चंक्स टिक्का बना के हम आज लेने वाले हैं, क्योंकि सोया चंक्स में अच्छा प्रोटीन माना जाता है, उसमें फैट की जो मात्रा है कम है और कैलोरी हमको यहाँ पे कम प्राप्त होगी। गाइस एक बाउल आप सोया चंक्स लीजिए और उसको टिक्का की रेसिपी जो है, सोया चंक्स टिक्के की रेसिपी है जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा किस प्रकार उसको बनाया जाता है, एक हेल्दी रेसिपी यहाँ पे होने वाली है। गाइस 3 प्रकार की यहाँ पे मैं आपको लिंक डालने वाला हूँ। एक तो मॉर्निंग आपका जो वर्कआउट है जो कि कार्डियो वर्कआउट है 30 मिनट का, उसकी लिंक आपको नीचे मिलेगी। उसके बाद मिलेगी पनीर कैप्सिकम किस प्रकार बनाया जाता है, उसकी लिंक भी आपको यहाँ पे मिल। तीसरी जो लिंक है सोया टिक्का की लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टोटल यहाँ पे हम सुबह से लेकर शाम तक का जो प्रोटीन है यहाँ पे हमको 81% प्रोटीन मिलेगा। फैट जो है, फैट यहाँ पे 100% हो जाता है। आज का जो है फैट हमारा जो टोटल 100% यहाँ पे हो जाएगा।
साथ में अभी हम लेंगे काप्स जो है, काप्स टोटल देंगे तो यहाँ पे 87% काप्स हमें मिलेंगे, और जो फाइबर है, फाइबर की मात्रा यहाँ पे हमको थोड़ी कम हो रही है आज के दिन में। यहाँ पे फाइबर की मात्रा जो है 79% यहाँ पे फाइबर हमको मिलता है। टोटल जो सुबह से लेकर शाम तक का खाना है उसमें हमें अच्छा प्रोटीन, अच्छा फैट, अच्छे काप्स और अच्छा फाइबर ये हमको प्राप्त होता है सुबह से लेकर शाम तक के खाने में। यहाँ पे हम अच्छा एक्सरसाइज करेंगे। आपको पता है न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है 80% हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है, और 20% हमें करनी है एक्सरसाइज जो कि हमारे शरीर को हेल्दी रखे। गाइस और एक बात बता दूं कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि गाइस आप सब्सक्राइब करते हैं मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं, बहुत सारे ऐसी राय ले रहे हैं, मैं उनको तुरंत ही रिप्लाई करता हूं और उससे मेरे से जितना हो सके उतना पॉजिटिवली उनको बताता हूं कि आपको किस प्रकार इसको फॉलो करना है। जो भी हम कर रहे हैं हमारे शरीर को अच्छा करने के लिए हम यह सब करते हैं। तो गाइस अगर आपको आपके शरीर को अच्छा रखना है तो आपके डाइट को अच्छा रखना जरूरी है, साथ में अच्छी एक्सरसाइज भी करना जरूरी है। भी पॉजिटिव होके आपको काम करना होगा, अपना जो एटीट्यूड है उसको सकारात्मक करके आपको यह पूरा डाइट फॉलो करना होगा। तो बहुत सारा अच्छा रिजल्ट और मिनिमम समय में अच्छे से अच्छा परिणाम आप प्राप्त कर सकते हैं। गाइस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप बटन जरूर दबा देना। नए वीडियो और नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम कल फिर से मिलेंगे दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।